आगरा की बुलेट बाइक का नंबर बदलकर बरेली में फराचा भरने वाले आरोपी जीजा साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सफलता पुलिस को बाइक के हुए चालान की लोकेशन के आधार पर मिली है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही बुलेट बाइक को भी बरामद कर लिया है। दरअसल आगरा के वल्केश्वर इलाके में दुर्गा एनक्लेव के रहने वाले सक्षम कुमार सिंघल ने इस संबंध में बरेली पुलिस को ट्वीट करके शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस को बताया कि 4 अगस्त को उनके दोस्त ने ऑनलाइन चालान चेक किए तो उनकी बुलेट के 5 चालान सामने आए हैं। इसमें दिल्ली, नोएडा और बरेली की लोकेशन पाई गई थी। इन चालान के लिए 18,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं इस मामले में गिरफ्तार विनोद कुमार ने बताया कि कैंट क्षेत्र निवासी वकील ने 50,000 रुपए में बुलेट उनके पास गिरवी रखी थी, तब से वह बुलेट चला रहा था। इस बीच उनका साला देशपाल बुलेट मांगकर ले गया और हेलमेट न होने की वजह से चालान हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी जीजा साले को धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया है। कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें चालान के समय ये ज्ञात हुआ कि जो बुलेट गाड़ी का नंबर प्लेट है और चेसिस नंबर है, दोनों में कुछ विरोधाभास है। जांच के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि ये इसमें नंबर प्लेट और जो चेसिस नंबर है, इनको मिटाने के संबंध में और चेंज करने के संबंध में काफ़ी बड़े स्तर पर इस तरह का फ्रॉड किया जा रहा है इनके द्वारा। इसमें सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली में 420, 467, 468 और 471 ITC की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें अभी तक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक तीसरा अन्य व्यक्ति है जिसका नाम प्रकाश में आया है। इन तीनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।